नमस्कार, मैं हूं मिस्टर स्टॉक। तो दोस्तों, ब्राइटकॉम ग्रुप में अगर आपने निवेश किया है तो ये आपके लिए काफ़ी बड़ी खबर होने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार पूरा माजरा क्या है। दोस्तों, ब्राइटकॉम के शेयरों ने निवेशकों को काफ़ी तगड़ा रिटर्न दिया है, लेकिन अभी के समय में इस शेयर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आपको बता दें कि साल 2021 में इसके एक शेयर की कीमत 4 रुपये के आसपास थी, जो बढ़कर अपने ऑल टाइम हाई 114 रुपये के आसपास पहुंच गया। दोस्तों, ये जो शेयर प्राइस में इजाफा हुआ है वो महज 1 से 1.5 साल के बीच में ही हुआ है। दोस्तों, इसी बीच इस कंपनी के ऊपर कई सेंसिटिव और सस्पिशियस सवाल उठे और इस वजह से रिटेल निवेशकों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट की माने तो CBI ने हाल ही में इस कंपनी पर एक्शन लेते हुए बताया है कि गवर्नेंस से जुड़े कई नियमों का पालन न करने पर इस कंपनी पर एक्शन जा रहा है और इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि कंपनी ने अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज नहीं किए हैं। और तो और, इस कंपनी में सभी ने प्रमोटर के हिस्से बिक्री पर भी रोक लगा दी है, यानी कि प्रमोटर जो है अपना स्टेक नहीं बेच सकते हैं। दोस्तों, सभी ने कंपनी के प्रमोटर पर कुछ आरोप लगाते हुए बताया है कि प्रमोटर ने कंपनी से गलत आंकड़े बताए, वहीं इसके साथ ही कंपनी की गलत फाइलिंग दिखाने की कोशिश की गई है। दोस्तों, जैसे ही खबर सामने आई वैसे ही हमें इसके शेयरों में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिला और इसकी वजह से निवेशकों को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। चलिए दोस्तों, एक नज़र कंपनी के फाइनेंशियल और शेयर होल्डिंग पैटर्न पर डालते हैं। दोस्तों, यह कंपनी का कंपाउंडेड सेल ग्रोथ और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल ग्रोथ में हमें ज़्यादा बढ़त देखने को नहीं मिली है, वहीं कंपनी के प्रॉफिट में भी उतना ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। दोस्तों, अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालें तो प्रमोटर लगातार अपने हिस्सेदारी को कम करते जा रहे हैं इस कंपनी में। दोस्तों, जब भी प्रमोटर ज़्यादा मात्रा में शेयर बेचते हैं तो आप समझिए कि उन्हें कंपनी के ऊपर भरोसा बिल्कुल नहीं है। बहरहाल दोस्तों, फॉरेन इन्वेस्टर ने इस कंपनी में अपने हिस्सेदारी को बढ़ा दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2020 में फॉरेन इन्वेस्टर का जो स्टेक है वो इस कंपनी में 7.25 था। हालांकि दिसंबर 2022 तिमाही के शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से फॉरेन इन्वेस्टर का जो स्टेक है इस कंपनी में वो है 14.55%। हालांकि दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि आपको इस कंपनी में कितने का प्रॉफिट या फिर कितने का लॉस हो रहा है। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि कौन से कंपनी का शेयर कब बाय करना है या फिर कौन से कंपनी का शेयर कब सेल करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।